एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनो दोस्तों जादूगर फिल्म देखा मैंने नेटफ्लिक्स पर आप लोग भी रिव्यू मांग रहे सेम टाइम इट हैज आल्सो गॉट मल्टीपल मोमेंट्स वेयर यू विल फील नॉट सो एनगेज बिकॉज मोमेंट्स आर जस्ट ओके जस्ट सो तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो आपको काफी क्यूट लगेगा At the same time, ऐसे बहुत सारे जो आपको ठीक ठाक लगेगा तो दोस्तों ये है दास्ता अपने जादूगर का अब क्यूट क्या लगा मुझे अच्छा क्या लगा वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं यार बॉय मीट्स गर्ल गर्ल मीट्स बॉय ये जो एंगल दिखाया है ये जो रोमांस दिखाया है ऐसा रोमांस बहुत टाइम के बाद एक हिंदी फिल्म में मैंने देखा

जो मतलब मैजिकल मोमेंट वो लव वाला मैजिकल मोमेंट जो आप देखोगे स्क्रीन पर यार मुझे बहुत बेहतरीन लगा जिस तरह से वो गाना शुरू होता है जिस तरह से आरुषि दिखती है वो पर्टिकुलर सीन में और जिस तरह से जीतू भैया का एक्सप्रेशन चेंज होता है एंड द वे शोज दैट ही फॉर अवर राइट एट दैट मोमेंट यार वो सीन देख के बहुत बहुत, बहुत बढ़िया लगा इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं मैं बैठ के देख रहा था टेलीविजन स्क्रीन पर मेरी मम्मी थी पे वो आई रूम में यार अचानक से शी शी सॉ दैट सीन वाज़ आल्सो मेसमराइज यार बिकॉज दैट इज सो ब्यूटीफुली शॉर्ट इट विल जस्ट अट्रैक्ट एनी वन दैट सीन इट विल जस्ट कीप एवरी वन दैट सीन एप्सोल्यूटलींगेज वो सीन देख के मेरे को बहुत बहुत बढ़िया लगा और उसके बाद कैसे जीतू भैया आरुषि को पटाने की कोशिश कर रहे हैं इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे वो करने की कोशिश कर रहे हैं घंटी है? you know, बजा के कैसे आरुषि को सही दिशा बताता है और उसके बाद कैसे आरुषि के घर के बाहर वो जादू दिखाता है और बड़ा बड़ा जादू दिखा के उसको मोहित करने की कोशिश करता है यार, वेरी वेरी ब्यूटिफुली शो ये सीन्स में ना रोमांस का रोमांस भी है ह्यूमर का ह्यूमर भी है वो क्लिनिक में जिस तरह से आई लव यू बोलता है वाइल रीडिंग दो अल्फाबेट्स ऑन द स्क्रीन वेरी वेरी फनी यार जीतू भैया सुपर या फिर वो सीन पर जहां वो उनको लेटाया गया वो चेयर पर एंड उनका आग को डाइसेक्ट करने वाला होता है आरुषि देन ऑल ऑफ जीतू भैया बोलते हैं भाई मेरे को दिखने लग गया यार मेरे को पंखा दिख रहा है चेयर दिख रहा है ये दिख रहा है वो दिख रहा है सुपर ह्यूमर यार तो ऐसे बहुत सारे और डायलॉग्स भी है जहाँ पे आपको ह्यूमर मतलब जो आप महसूस करोगे ना वो आपको बांधे एक अच्छा खासा स्माइल रहेगा इनफैक्ट तो मीट्स गर्ल, गर्ल मीट्स बहुत -बहुत मुझे ऐसा एक चाहत था कि यार और ज्यादा सीन्स आरुषि और जीतू भैया का होना चाहिए था तो दोस्तों ये हुआ क्यूट चीजें गुड चीजें एंगेजिंग चीजें अब क्या उतना एंगेज नहीं करता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं इसमें देखो जादू और रोमांस का एक मिश्रण है ऑन वन साइड ऑन द अदर साइड फुटबॉल भी है तो मतलब फुटबॉल को मैरिनेट किया गया है जादू और रोमांस के साथ तो वो फुटबॉल वाला मैचेस जो है ना दोस्तों आई विल बी वेरी ऑनेस्ट उतना ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगा उतना ज्यादा इंस्पिरेशनल नहीं लगा उतना ज्यादा थ्रिलिंग या ग्रिपिंग नहीं लगा एंड कुछ हद के बाद यार एक ऐसा फीलिंग आया हाँ भाई ठीक है चल रहा है चलने दो टाइप्स तो उतना ज्यादा सीरियसली लेने का वो एक फीलिंग जाग नहीं उठा यार तो द वे फुटबॉल मैचेस जब भी आ रहा था ना यार थोड़ा मुझे लगा स्टोरी को ड्रैग कर रहा था एट दैट टाइम आई वॉन्टेड टू सी मोर ऑफ देयर लव स्टोरी जीतू भैया एंड आरुष इज लव स्टोरी प्रोग्रेसिंग इवन मोर ऑल्सो हैव ट्राइड टू इंक्लूड दैट एंड कनेक्ट दैट विद द फुटबॉल मैचेस इन अ वे थ्रू मोहन जोशी बट दोस दैट राइटिंग मेरे को थोड़ा वेफर थिन लगा उतना ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगा प्लस क्लाइमैक्स में जो भी फुटबॉल मैचेस चल रहा था जिस तरह से वो शूट करके दिखाया उसमें उतना ज्यादा एक ग्रिप नजर नहीं आया ऑल्सो क्लाइमैक्स में जो जीतू भैया वो छोटा कांडी लेके करता है <laughs> वो थोड़ा मतलब यार अनरियल लगा उतना ज्यादा मजा नहीं आया एंड प्लस एंडिंग ऑल्सो वॉज ओके ओके सी बेसिकली ना ये पिक्चर आप जब देखोगे आपको एक टीवीएफ फ्लेवर जरूर नजर आएगा और वो टीवीएफ फ्लेवर क्यूट भी है और वो क्यूट चीज आप एंजॉय भी करोगे दैट क्यूटनेस इज एक्सट्रीमली अवेलेबल एक्सट्रीमली प्रेजेंट द टीवीएफ फ्लेवर द क्यूट टीवीएफ फ्लेवर इज फॉर श्योर प्रेजेंट इन दिस फिल्म बट टीवीएफ का क्या होता है ना आप टीवीएफ जब सीरीज देखते हो स्टार्ट विदीड विद एंड एंड बैंगीवी वाला वो बैंग होता है ना दैट वॉज सर्टनली मिसिंग महसूस करने का मौका नहीं मिला जिसकी वजह से ठीक ठाक होके बट जब फिल्म खत्म करोगे ना आपको ऐसा लगेगा भाई देर आर मेनी क्यूट मूवमेंट्स एंड देर आर नॉट सो क्यूट मूमेंट्स एनजॉय ओवरऑल ठीक ठाक क्यूट वन टाइम वॉच में जरूर कहूंगा